हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कैनन का प्रिंटर है जो कि प्रिंट करने के बाद इसमें लाइनिंग आ रहा है। तो चलिए हम अभी एक प्रिंट निकाल कर देख लेते हैं कि मेरा प्रिंट इस टाइम पे कैसा आ रहा है। तो अभी हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करेंगे। और ये हमारा प्रिंट हो रहा है, मशीन काम कर रहा है अभी। और ये मेरा प्रिंट निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट आ चुका है। और इसमें देख सकते हैं किस तरह का इरर आ रहा है। तो ये 100% ये काटेज, जिसको हम हेड बोलते हैं, ये उसी का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको भी चेंज करके देखेंगे। तो हम अपना प्रिंटर को कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हेड को सेंटर, बीच सेंटर में खींच कर लाएंगे। मैं थोड़ा कैमरा को फोल्ड कर लेता हूँ। और हेड को खींचने से पहले वहाँ पे एक किनारे में, साइड में एक वाइट कलर का लॉक होता है, उसको साइड में करेंगे। उसके बाद पाइप पकड़कर खींच लेंगे और वो भी सेंटर में करेंगे। और इस हेड को ओपन करने से पहले हम जो इंक का जो टैंक होता है उसका ढक्कन को ओपन कर लेंगे ताकि मेरा एयर ना ले। और उसके बाद लॉक को ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठाने के बाद मेरा हेड दोनों ब्लैक और कलर दोनों दिख जाएगा, उसको आसानी से हम निकाल लेंगे। जैसे हमने निकाला अभी, उसी तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा। और इसको साफ़ करके एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपका काम बन जाता है तो सही है, ना तो फिर आप चेंज ही कर लीजिएगा। और मैं अभी अपना ये ब्लैक का ही हेड हम चेंज करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कलर वाला आया नहीं है जो मैं ऑर्डर किया था ऑनलाइन। एक ही आया है अभी ब्लैक का, तो अभी इसी को चेंज करेंगे। और ये मेरा ब्लैक का हेड है, BH7 ब्लैक। इसका प्राइस हमको पड़ा था 1499 रुपया। इस पर सारे मॉडल लिखे हुए हैं, जो जो मॉडल इसमें ऐड है वो सारे प्रिंटर में लग जाएगा। तो आप भी अपना मॉडल देखकर ऑर्डर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अभी इसको ओपन कर लेते हैं। इस पे ओपन करने के बाद इस पे एक पन्नी आता है, जो कि पन्नी नीचे साइड पे भी रहता है और ऊपर साइड पे भी रहता है। तो उसको आराम से हम हटा लेंगे पन्नी को, डस्ट वगैरह ना जाए, इसकी वजह से स्टिकर लगा रहता है। ये देखिए हमने हटा लिया है। और इधर का जो है चिप वाला, इस पे थोड़ा भी उंगली इस पे ना रखेंगे और आराम से इसे हम फिट कर लेंगे। और फिट करने के बाद हम अपना हेड का जो लॉक है उसको हम ब्लैक और ब्लू प्रेस करके हम बैठा लेंगे। बैठाने के बाद उस पर एक स्प्रिंग वाला है, उसको भी हम लॉक को दोनों बैठा लेंगे। और बैठाने के बाद उसके बाद हम ये अपना टैंक का ढक्कन भी डाउन कर लेंगे ताकि मेरा एयर पास ना हो। तो चलिए हम अभी प्रिंटर को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मेरा थोड़ा रेडी होने में टाइम लगेगा।
ये मेरा प्रिंटर रेडी हो रहा है अभी। तो अभी हम आप लोगों के सामने एक प्रिंट करके निकाल के देखेंगे कि मेरा अब नया वाला हेड से प्रिंट कैसा आ रहा है। चलिए अभी रेडी हो रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा फाइनली ये प्रिंटर रेडी हो चुका है और प्रिंट होने वाला है अभी। तो देख लेते हैं अभी इस पर नया वाला हेड से कैसा प्रिंट आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, नया वाला हेड से प्रिंट किए अभी सही आ रहा है। तो मतलब ये हेड का मेरा प्रॉब्लम था, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपका भी ऐसा सेम प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हेड चेंज करके देख लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे अभी तक से नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे टेक्नोलाइट होम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सेफली पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।